आपके पास कुछ अथॉरिटी है, आप किसी पर चिल्ला सकते हो, लेकिन आपके पास अथॉरिटी है लेकिन आप किसी पर चिल्लाते नहीं हो, आप एक मित्र की तरह किसी से बात करते हो, समझाते हो, ये एक बड़ी बात हो जाएगी। डोंट ट्राई टू बी बॉस somebody, डोंट बी बॉसी पर्सन। इफ यू वॉन्ट टू बी अ बॉस ऑफ योर ओन माइंड, माइंड द माइंड। When you will mind your mind, then you will never ever have to hear don't mind, because you are already minding it. आम व्यवहार में अक्सर ना कई लोग ऐसा बोलते हैं, माइंड ना करना पर ये बात है, तो बोलो भाई जब बात सच है तो हम माइंड क्यों करेंगे। तो इंद्रियों का विषयों से संजोग कितना रखना है कितना नहीं रखना है, इसके ऊपर भी ध्यान आपको देना चाहिए। संता पूरा दिन घर से गायब था, रात आया वापस, माँ कहती कहाँ था, कह रहा फिल्म देखने। वही फिल्म तो 3 घंटे की होती। कह रहा ऐसा है, हम 4 दोस्त फिल्म देखने जा रहे थे, 3ों का कैंसल हो गया, सबकी टिकटें मेरे पास थी, तो फिर वही फिल्म पहले 9 से 12 देखी, फिर 12 से 3 देखी, फिर 3 से 6 देखी, फिर 6 से 9 देखी, और नहीं देखते तो टिकट खराब नहीं हो जाती। आप कितना सिनेमा देखेंगे, आप कितनी गप्पे हाँकेंगे, आप कितना खाने के पीछे भागेंगे, आप कितना बातों को सुनने के पीछे भागेंगे, इसके ऊपर ध्यान आपको देना पड़ेगा। आप संत मत बन जाइएगा। कोई निंदा कर रहा हो, चुगली कर रहा हो, किसी की बुराई कर रहा हो, तुम कान दे करके सुनोगे तो क्या होगा, वो सारी गंदगी तुम्हारे मन में गई, तो ये तुमने काम अच्छा किया। इसलिए हम कानों के जरिए कोई बुरी बात मन में ना ले जाएं, आँखों के जरिए कोई बुरे दृश्य मन में ना ले जाएं, जीभ के जरिए बुरी बात बोल के ये बुराई अपने मन में ना ले जाएं। तो अपनी समस्त इंद्रियों को संयमित अगर हम करते हैं तो ये हम अपने लिए एक बड़ा 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 उपकार कर लेंगे। इसलिए व्यवहार में सकुशल और सक्षम होना, ये हमको हमारी साधना के समय पर बड़ी मदद देता है। अगला श्लोक, क्रियायोगम जगो क्लेशान विपाकान कर्मणमि तद दुखत्वं तथा व्यूहान पादे योगस्य पंचकम्। ये आखिरी श्लोक जो मैं दे रही हूं, ये इस साधन पाद के पूरे अध्याय को एक तरह से समराइज कर देता है कि क्रिया योग जो है, क्रिया योग क्या, जो शुरू में दिया था ना, तपस्या, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये क्रिया योग है। तो ये जो क्रिया योग है ये क्लेशों को खत्म करता है, कर्मों के विपाक को खत्म करता है, उनका दुख रूप होने का ज्ञान देता है, कर्मों का है माने किस लिए ये कर्म किया है ये ज्ञान, इस कर्म का क्या फल होगा यह ज्ञान, और इस हानि के ये जो चक्र हैं, कुछ भी करते हैं ये जो चक्र हैं, इन सभी अंगों का ज्ञान हमको मिल जाता है। किस से? क्रिया योग से। क्रिया योग क्या? तपस्या, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तप करो, स्वाध्याय करो और निरंतर हमेशा ईश्वर स्मरण चित्त में बना रहे।
कि ये जीवन ईश्वर के लिए है, इसलिए उठत सुखिया बैठत सुखिया पै नहीं लागे जाए से बुझिया, राखा एक हमारा स्वामी सगल घटा का अंतर जामी, कार सुख वस्या बार सुख पाया सहजे ही हर नाम दृढ़ाया। मैं उठूं तो तेरी याद में, मैं बैठूं तो तेरी याद में, सोऊं तो तेरी याद में, इसे कहते ईश्वर प्रणिधान। दुख सुख राग द्वेष की स्थितियां जब जीवन में बने तब उस समय पर बहुत सक्षम होके सचेत होके मैं अपने मन के आंचल को मैला न होने दूं, दुख आए स्वीकार करूं, सुख आए स्वीकार करूं, पर अपने मन से ना किसी को पीड़ा दूं, ना किसी के जीवन में समस्या खड़ी करूं, क्योंकि मेरा अपना मन ही सबसे बड़ी समस्या है, पहले इसको तो सुलझा लें, हम दूसरों का क्या कर सकते हैं। हमारे चित्त को साधें, हमारे चित्त को हम निर्मल बनाएं, ये एक बहुत बड़ा काम है और इस काम को कोई समझदार व्यक्ति ही कर सकता है, क्योंकि हमारी बुद्धि में उतनी शक्ति नहीं है, इसलिए सुनी हुई बातें अक्सर भूल जाती हैं। इसी कारण एक अनुशासन को जीवन में बनाना बहुत आवश्यक होता है, उस अनुशासन को फॉलो करते रहेंगे। जैसे देखो ना, अब यहाँ आप हैं तो इतने बजे उठेंगे, आरती होगी इतने बजे उठेंगे, योगासन है इतने बजे उठेंगे, तो सत्संग होगा इतने बजे, भोजन है इतने बजे, फिर सत्संग है इतने बजे, योग निद्रा है इतने बजे, फिर आरती है, तो एक एक जो आपको प्रोग्राम मिलता है ना, उस प्रोग्राम के साथ जब आप चलते रहते हैं तो मन बहुत ठीक से चल पाता है, अच्छे से चल जाता है। ऐसा ही कुछ अनुशासन घर में होना चाहिए। एक्चुअली तुम रहते तो घर में ही हो, तो जो अनुशासन यहां सीखो उसे अप्लाई तो घर में ही करना चाहिए ना, कि जैसे यहां उठ रहे थे सुबह जल्दी वैसे वहां उठो, जैसे यहां सुबह की आरती में शामिल होने के लिए रात जल्दी समय पर सोते थे वैसे ही वहां पर हो। तो ये चीजें करनी मुश्किल नहीं है, प्रश्न बस ये है कि आपके मन में ये भावना ये धारणा बनी होनी चाहिए कि जीवन को किस दिशा में मुझे जीना है, किस दिशा में इसको लेके जाना है, बस वैसा काम करते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे, तो करने में हमारी कुशलता बढ़ जाती है। सी फर्स्ट डे व्हेन यू सिट देन इट्स टू हार्ड, सेकंड डे बिकम्स बिट इजी, देन मोर इजी, देन मोर इजी, आफ्टर अ मंथ सो इजी, डे वन आसना टू डिफिकल्ट, डे टू स्टिल डिफिकल्ट, डे थ्री लिटिल बेटर, फोर मच बेटर, फाइव नाउ इंजॉइंग इट, राइट। जो पहले करने में दुख देवे और फिर सुख देवे वही सात्विक कर्म होता है। और रजोगुणी और तमोगुणी कर्म क्या है, जब करो तो बड़ा मजा पर बाद में सजा। खूब दबा के खाओ, खूब दबा के नाचो, खूब भोग भोगो, बड़ा मजा बाद में सजा। संयम अनुशासन पहले मुश्किल पर जब करने लगे फिर इससे बढ़िया कुछ होता ही नहीं। सो दूसरे पाद का ये जो अंतिम श्लोक था, ततः परमा वश्यति इंद्रियानाम, इंद्रियां तुम्हारे वशीभूत हो जाती हैं जब आप प्रत्याहार की सिद्धि को प्राप्त कर लेते।
यहाँ आकर साधन पाद भी समाप्त होता है। गंभीर विषय था, मुश्किल विषय था, इसलिए दोबारा दोबारा सुनने की आवश्यकता होगी। सुनिए, समय आने पर इसका प्रकाशित फॉर्म भी आ जाएगा। But this is not something that you hear and forget. This is something which you need to go back again and again and again. It requires contemplation, remembrance, reminders have to be put. ऐसे अपने फोन में ना रिमाइंडर लगा लो कि सुबह 4:30 बजे उठना है, आसन करने हैं, जैसे यहाँ कर रहे थे 6 से 7, तो आसन करने हैं, रिमाइंडर लगा लो। अब आपका जो भी वापस जाके ऑफिस काम जो भी है, तो उसमें दोपहर का संभव ना हो सके तो शाम का फिर रिमाइंडर लगा लो। खाना खाने से पहले थोड़ी देर फिर अभ्यास में बैठना है। लेट योर फोन गिव दिस बीपिंग मैसेजेस टू यू, दिस इज योर टाइम टू डू आसन, दिस इज योर टाइम टू डू योर मंत्र जप, डोंट स्लीप विदाउट मेडिटेटिंग, पुट दिस मैसेज टू योर सेल्फ। रोज 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 ये याद करनी होगी तो अभ्यास होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। इसी के साथ वाणी को विश्राम देती हूँ मैं, और ईश्वर का बड़ा धन्यवाद है, प्रभु की कृपा से ये 7 दिन का जो ज्ञान यज्ञ था उसकी आज पूर्ण आहुति होती है। सब निर्विघ्न रूप से हो गया, सब स्वस्थ रहे, सब ठीक रहे, सब काल संजोग भी अच्छे बने रहे, और ये बगैर ईश्वर कृपा के नहीं होता है। तो ये ईश्वर की ही कृपा है कि मैं ये बोल पाई, इस विषय को तुम्हें समझा पाई, तुम यहाँ बैठ के सुन पाए, तो मैं वक्ता और आप श्रोता मिलकर उस प्रभु की आराधना करते हैं और उनको बारंबार धन्यवाद देते हैं कि आपकी कृपा दृष्टि सदैव हम पर बनी रहे, हम पुण्यवान साधनावान योग पथ के राही बने, हमारे जीवन में त्याग तपस्या स्वाध्याय बढ़े। प्रभु ये आपकी कृपा मिले इसकी याचना, इसकी ही प्रार्थना करते हैं। ऋषि पतंजलि को प्रणाम, जिनकी कृपा से इन सूत्रों को हम समझ पा रहे हैं। विश्व के आदि गुरु महादेव जी को प्रणाम, जिनकी कृपा से यह योग ज्ञान की परंपरा आज हमारे तक पहुंची है और हम उसका लाभ ले पा रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव को प्रणाम, जिनकी कृपा से जीवन में ज्ञान ध्यान सत्संग का प्रवेश हुआ है। समस्त आचार्यों को प्रणाम, समस्त योगियों को प्रणाम, समस्त सद्गुरुओं को प्रणाम।